Dear students in this topic we shall discuss about the vertebrate lungs the terrestrial vertebrates use a pair of lungs to exchange oxygen and carbon dioxide with the environment lungs are found in most amphibians except few ones are found in all reptiles all birds and all mammals we shall discuss about the basic plan of vertebrate lung although there are considerable variations among the four groups of vertebrates the generalized structure of lung consists of a complex network of Tubes and air spaces are sex. The number of air spaces per unit volume becomes progressively greater in the evolutionary order amphibians, reptiles, birds, and mammals. In so, your number of एयर स्पेसिस है पर यूनिट वॉल्यूम वो एम्फीबियंस में सबसे कम है रेप्टाइल्स में ज्यादा है और मैमल्स में सबसे ज्यादा यूनिट्स पाई जाती हैं जहां से गैस एक्सचेंज होना होता है इसके मुकाबले में द साइज ऑफ दीज टर्मिनल एयर स्पेसेस बिकम्स स्मॉलर इन द सेम ऑर्डर एम्फीबियंस में एयर स्पेसिस जो मौजूद है उनका साइज ज्यादा बड़ा है जबकि मैमल्स की जो एयर स्पेसिस एलव्यूलाई है उनका साइज सबसे छोटा है एपीथिलियम ऑफ दैट इज थिन एंड वस्कुलराइज तो ये जो एयर स्पेसिस हैं टर्मिनल ये रेस्पायरेटरी एपिथीलियम बनाती हैं, जो कि एक्चुअली शन का या गैस एक्सचेंज का फंक्शन करते स्टूडेंट्स वी शैल डिस्कस दीज फोर क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्फीबियन लंग्स फर्स्ट एम्फीबिया के पास जो लंग्स हैं दे वेरी इन कंप्लेक्सिटी मुख्तु जो ग्रुप्स हैं एम्फीबियन के उनमें लंग्स की कंप्लेक्सिटी वेरी करती है यूरोडील्स के जो लंग्स हैं हेलेमेंडर्स वगैरह के दे आर जस्ट लाइक ए स्मूथ वॉल्ड पो पाउच ये बिल्कुल एक थैली सी है जिसकी स्मूथ सी वॉल है और अंदर से बैग लाइक है और खाली है सिर्फ वॉल के ऊपर ही एयर सैक्स मौजूद हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होती है इसके मुकाबले में जो फ्रॉग्स और टोड्स हैं उनके लंग्स बैलून लाइक हैं और इन लंग्स में सेप्टा और फोल्ड्स मौजूद हैं जो कि इन लंग्स को सब डिवाइड करती हैं और इंटरकनेक्टेड एयर बनती हैं जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज कंपैरेटिवली एक बैग लाइक स्मूथ पाउच की नस्बत ज्यादा बेहतर गैस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट दी लंग्स ऑफ रेप्टाइल आर स्पंज लाइक दे हैव स्पंज लाइक टेक्सचर अगर हम किसी भी रेप्टाइल के लंग को निकाल लें और उसे टच करें तो हमें ऐसे महसूस होगा जैसे हमने कोई फॉर्म या स्पंज पकड़ा है आमतौर के ऊपर ब्रोंकाई जो है वो लंग में मैमल्स में एंटर होने के बाद डिवाइड हो जाती है लेकिन इनमें सिंगल ब्रोंकस है जो कि कम अज कम लंग्स के सेंटर तक मिडल तक जरूर आती है या इससे भी आगे चली जाती हर ब्रोंकस जो है वो ब्रांचेस बनाती है और इन ब्रांचेस से आगे इंडिविजुअल पॉकेट्स मौजूद होती हैं जो कि लंग्स की पैरिफ्री तक जाती हैं ये जो पॉकेट्स हैं इनमें गैस एक्सचेंज होता है दीज आर दी सर्विस वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स दीज पॉकेट्स आर सिमिलर टू दलव्यूलाई इन मैमल्स

जो कि बॉडी के वेरियस पार्ट्स में और इवन बोन्स के अंदर तक एक्सटेंड uh, करती है एयर सैक्स मे बी कनेक्टेड टू एयर स्पेसिस विद इन ये जो बर्ड्स के लंग्स हैं इनका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है इनके पास एलव्यूलाई नहीं है बल्कि दे कंटेन मिलियंस ऑफ पैराब्रोंकाई ये जो पैराब्रोंकाई हैं, दे आर टाइनी पैरल पैसेजेस ट्यूबलाइट पैसेजेस हैं दीज आर दाइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन बर्ड्स ये जो सिस्टम है बर्ड्स में इट एनेबल टू रिमूव नाइंटी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद ईच ब्रीथ के मुकाबले में जो मैमल्स हैं जिनकी बहुत एफिशंसी है गैस एक्सचेंज की दे कैन रिमूव ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द once breathed